हमेशा से बात बोली, अपने आप को डिजर्विंग समझना, अगर गलत है तो फिर मैं गलत था, नहीं तो मैं गलत नहीं था। और भाई क्या हालचाल, कैसे हुआ आप लोग? जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि फुकरा इंसान ने बिग बॉस ओटीटी हाउस के अंदर मनीषा रानी और अपनी मोम को बोल दिया था कि वो डिजर्व करते हैं जीतना, और जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है उनका जीतना पॉसिबल नहीं है, यानी कि एल्विस यादव और आशिका भाटिया। सो गाइस इसी टॉपिक को लेकर फुकरा इंसान के आज के Q&A वीडियो में उनके ही किसी फैन ने इसी बात का जिक्र कर दिया, तो फुकरा इंसान क्या रिप्लाई करते हैं आप खुद देख लो। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है उसने, बोला है डिड यू ऑल्सो फील दैट इन लास्ट वीकेंड का वार द मेकर्स हैड मेड एक्सेसिव प्रिपरेशंस टू ब्रेक यू बिकॉज दे शोड सिलेक्टेड वीडियोस ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ हाउसमेट्स व्हिच नेवर हैपेंड बिफोर इन एनी सीजन। हाय, मैंने इस बारे में कभी बात नहीं करी, बट आई एक्चुअली वांट टू से दिस, यस मुझे ये फील हुआ था। मैंने हमेशा से बात बोली, अपने आप को डिजर्विंग समझना, अगर गलत है तो फिर मैं गलत था, नहीं तो मैं गलत नहीं था। मानो तुम एक शॉपकीपर हो और तुम्हें ये फोन बेचना है, तो तुम ये बोलोगे ना कि भाई ये बेस्ट फोन है, तो तुम जब अपने माल को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो तुम उसको कैसे बेच सकते हो? सेम विद मी भाई, मैं उस वक्त मेरे से पूछा गया कि व्हाई डू यू कंसीडर योरसेल्फ द विनर ऑफ दिस शो, तो उसका जवाब मैंने दिया कि आई थॉट आई कैरीड दिस शो कंप्लीटली फ्रॉम डे वन, मुझे लगता है कि मैं डिजर्विंग हूं बिकॉज मैंने घर चलाया है, मैंने पूरा, बहुत ऐसी सिचुएशन थी जहां पर घर वाले नहीं चीजें ठीक कर पाए। फिर एक फैन ने पूछा कि आपको एल्विस यादव के बिग बॉस के हाउस के घर में आने से पहले और उनके आने के बाद में क्या फील हुआ था, तो फुकरा इंसान ने क्या रिप्लाई किया आप खुद देख लो। आपका बिग बॉस का पूरा सीजन क्या चला एल्विस भैया के आने से पहले और एल्विस भैया के आने के बाद? जब तक एल्विस नहीं आया था मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ क्यों ही आया हूँ, मतलब ऑब्वियसली देखो मनीषा ने मेरा हमेशा साथ दिया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं दिया, बट फिर एक वो था ना कि स्टार्टिंग से तुम पहले से किसी को नहीं जानते और नए लोगों से मिलो, तो वो कम्युनिटी की वाइब नहीं थी जब तक एल्विस नहीं आया, बट एल्विस के आने के बाद दरवाजे दीवारें आपको खाती थी वो नहीं, फिर मुझे लगा कि अरे ऑलरेडी एक भाई है जो मेरे को जानता है और वो आ गया और फिर हमारा ग्रुप बना एंड आई लव्ड द बिग बॉस सीजन। सो गाइस बाकी आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है ना कमेंट्स करके जरूर से बता देना। वेल अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।